भगवान श्री ऋषभ देव के जन्म को पाकर के आज सभी उनके दर्शन को पाकर के सभी ब्राह्मण देवता धन्य हो गए। इंद्रलोक से समस्त देवता आए, अप्सराएं गान करने लगी और परमपिता परमात्मा की अद्भुत छवि के दर्शन करके सभी धन्य हो गए। महाराज ने संसार को ग्रस्त धर्म में किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए ये शिक्षा दी। भगवान जितनी बार भी अवतार लेते हैं ना कोई प्रयोजन होता है। सूत जी महाराज से प्रश्न किए थे सोनको ने कि मिश्रेया शास्त्र सारा कहा सो तारे प्रयोजनम किम कारणम के सो तारश धर्मम किम शरणम गतम। भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? भगवान जब भी अब आते हैं ना तो समाज को शिक्षा देने के लिए, भगवान राम बन करके आए समाज को मर्यादा सिखाने के लिए, भगवान कृष्ण बन करके आए समाज को प्रेम सिखाने के लिए, भगवान महात्मा बुद्ध बन करके आए। देखिए महात्मा बुद्ध भी भगवान का अवतार है। महात्मा बुद्ध बन करके भगवान ने यज्ञों का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि महात्मा बुद्ध जब आए सृष्टि पर तो उस समय राक्षसों की परम सत्ता समाज में व्याप्त थी। राक्षसों ने एक दिन विचार किया कि देवता प्रबल क्यों हैं? तो किसी ने उन्हें बताया कि भैया देवता यज्ञ करते हैं तो यज्ञ राक्षस करने लगे, और जब राक्षस यज्ञ करने लगे तो वो नर बलि पशु बलि बकरा बलि इत्यादि बलियां देने लगे। भगवान ने सोचा अब इन यज्ञों के यजन से तो दूसरे जीवों का वध हो रहा है। भगवान महात्मा बुद्ध बन के आए। महात्मा बुद्ध बन करके सारे समाज को एकाग्र रहने की शिक्षा दी और मन में ही प्रभु का चिंतन और दर्शन करने का समाज को एक सुंदर मार्ग दिखाया। इस तरह से आज भगवान ऋषभदेव आए। ऋषभदेव इसलिए आए क्योंकि समाज में गृहस्थ धर्म का अनुकरण करते हुए ये जीव कैसे परम गति और प्रभु को प्राप्त कर सकता है, ये पाठ भगवान ऋषभदेव ने पढ़ाया। भगवान ऋषभदेव का सुंदर विवाह हुआ। महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से 81 पुत्र भगवान श्री ऋषभदेव के कर्म कांड से पारंगत हो गए, याज्ञिक पुरुष बन गए। 81 पुत्रों को भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मण बनाया। इसके बाद 9 पुत्रों को परम योगेश्वर बना करके समाज में योग की शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए छोड़ दिया। 7 पुत्र 7 दीपों के राजा बन गए, 2 पुत्र परमहंस बन गए और 1 पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारत वर्ष। महाराज राजर्षि भरत जो ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे हमारे भारत के राजा बनाए गए। हमारे भारत का सबसे पहले नाम था अजनाब। अजनाब के बाद हमारे देश का नाम हुआ ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त के बाद हमारे देश का नाम हुआ आर्यावर्त और आर्यावर्त के बाद महाराज राजर्षि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारत वर्ष। बोलिए भारत माता की। देखिए भारत माता कहा जाता है। हमारे देश को किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे देश को माता कहा जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे देश की ये रीत है कि जो भी हमारे देश में रहता है तो हमारे देश में माता की तरह प्रेम दिया जाता है। जैसे माता अपने सभी पुत्रों को रखती है ना, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया। इसीलिए ना तो चीन माता है, ना अमेरिका माता है, ना पाकिस्तान माता है। हमारे देश में जो भी आता है सम्मान पाता है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत माता भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में महाराज राजर्षि भरत राज करते रहे। महाराज राजर्षि भरत का विवाह पंचजनी प्रजापति की दुहिता के साथ हुआ। इनके सुंदर 5 पुत्र हुए। जैसे ही 4th बनाया, महाराज ने अपने पुत्रों को राज्याभिषेक किया और महाराज वन की ओर चले गए। भैया जैसे ही 4th बनाए तो वन की ओर चला जाना चाहिए। अगर 4th पन में वन नहीं गए तो समझिए जीवन बिगड़ जाता है, और अगर वन गए तो अगले जन्म के लिए भी आप वन गए। 50 तक खूब आराम करिए, परिवार में जाइए। 50 के बाद एक गिनती आती है 51। 51 क्यों लिखा गया? ताकि 51 अकेले होइए और वन की ओर चले जाइए। तेरी उम्र हो गई है 51, बोलिए ना 51। अगर 51 में नहीं जा पाए तो 1 साल और किसी तरह घिसटते रहिए, चले जाइए 52। इसके बाद अब 53 लग जाता है,
अब फिर बेचारा शिथिल हो गया, फिर जाऊंगा नाती देख लू पंती देख लू। इसके बाद आता है लास्ट मौका, 58 में चला जा, और अगर 58 में नहीं गया तो अगली गिनती आती 59। तू भी 59 की तरह भटकता भटकता इसी घर में घुसा घुसा मर जा, जो करते रहे कल जाएंगे परसों जाएंगे नरसों जाएंगे, वर्षों बीत गए भगवान के पास। ये जो हमारे आर्यवर्त की जो गिनती है ना भैया, ये साधारण नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो, आपसे संसार के लोग प्रेम करते हैं? कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। जब तक ये सुंदर शरीर है पत्नी प्रेम करती है, जब तक तुम्हारे पास धन और दौलत है तुम्हारे बेटे प्रेम करते हैं, जब तक तुम्हारे पास नाम है पहचान है तब तक कुटुंब और व्यवहार के लोग प्रेम करते हैं। इसके बाद जब बुढ़ापा आता है दुनिया में कोई प्रेम करने वाला बचता नहीं है भैया। एक बार एक घर में हम लोग गए, एक बूढ़े बाबा अंतिम अवस्था में चारपाई पर पड़े पड़े राम 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 कर रहे थे। सभी बहुएं घेरे हुए बाबा जी को चारों तरफ से घेरे हैं, बहुएं कह रही हैं हे प्रभु हमारे बाबा को अभी कुछ ना हो भगवान, बस बस केवल 10 दिन की बात है, 10 दिन तक हमारे बाबा का बाल बांका नहीं होना चाहिए। हमने पूछा, हमने कहा बेटा 10 दिन की बात ही क्यों कह रहे हो, 10 दिन के बाद बाबा की कीमत खत्म हो जाएगी क्या? नहीं महाराज, आज से 5 दिन बाद हमारे बेटे की शादी, हम सोचते हैं कि बाबा अभी नहीं शादी के बाद ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाबा के मरने का गम नहीं है दुनिया को, बेटे की शादी का दिक्कत है। 10 दिन बीत गए, बाबा सही सलामत रहे, बेटे की शादी हो गई। जब अगली बार फिर से हम घर में गए तो बेटे और बहू में फिर बाबा को घेरे बैठे थे, फिर रो रहे थे। हमने पूछा भाई साहब अब क्यों रो रहे हो? महाराज जी अब बाबा का दुख देखा नहीं जाता, हमें तो लगता है भगवान जल्दी से बाबा को उठा ले ताकि इनका दुख समाप्त हो जाए। ये दुनिया है, दुनिया को तुमसे प्रेम नहीं है, यहाँ केवल स्वार्थ का प्रेम है। इसलिए प्यारे दुनिया से मोह मत करो, दुनिया से प्रेम करो, जे कुछ है सब दे दो। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे जीव का बुढ़ापा बढ़ता है चाबी के गुच्छे का वजन बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो सासों के पास केवल अलमारी की चाबी थी, अब बहू के बक्से की चाबी भी हो गई है, चाबियां दो हो गई। छोड़ दे दुनिया को, छोड़ दे मोह, छोड़ दे संसार की आशा। कि संसार के लोगों की आसान किया करना, यह कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना, यह कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों की आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। एक दिन वो तुझे पगले तेरे घर वाले ही, तेरे तन को जला देंगे तुझे चाहने वाले ही, तेरे तन को जला देंगे, ये सच्चाई, तेरे चाहने वाले ही। हरि नाम की मस्ती में सदा मस्त रहा करना, यह कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों की आसान किया करना, यह कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना, यहाँ कोई नहीं अपना।
जब ये जीव की अंतिम अंत कोई नहीं। दुनिया में जितना भी तुम देख रहे हो सब असत्य है। आपने देखा होगा मुर्दे के आगे पीछे कुछ लोग एक शब्द बोला करते हैं, राम नाम, राम नाम। बोलिए ना कभी तो बोला ही जाएगा राम नाम। वो किसको सुनाने के लिए बोला जाता है? जो मर गया उसको तो सुनाई दे ही, वो तो चला गया है, लेकिन उसके साथ दुनिया वाले जो जा रहे हैं, जो व्यवहार, जो परिवार, जो रिश्तेदार जा रहे हैं, उनको सुनाया जा रहा है। भैया एक समय तेरी तरह इसे भी अभिमान था, एक तरह तेरी तरह इसे का भी व्यवहार था, इसका भी परिवार था, इसका भी व्यापार था, लेकिन सुन सब यही रह गया। इसने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी किया, सब असत्य है। अगर दुनिया में कुछ सत्य है तो केवल राम नाम। अर्थी निकलने से पहले जिसने जीवन का अर्थ ना समझा, सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आज महाराज राजर्षि भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, गृह छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बेटों की ओर मुड़ के नहीं देखा, एक नजर देख लीजिए छोड़ के चले जाइए, सब त्याग करके पहुंचे और जाकर के पुरुष के आश्रम में, गंडकी नदी का एक सुंदर किनारा है, पुलहाश्रम कहलाता था नेपाल राज्य में। गंडकी नदी है, बड़ी प्यारी नदी है, उसमें एक कुंड है दामोदर कुंड, उसमें सालेग्राम शिलाएं निकलती हैं, इसलिए उस नदी को सालेग्रामी नदी भी कहते हैं। बोले सालेग्राम जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय भरत जी महाराज, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतान नय परिपालना। पूरे भारतवर्ष के समस्त खंडों का पालन करने वाले राजा आज तपस्या के लिए पहुंचे हैं। नदी किनारे गए, एक बड़ी प्यारी कुटिया बनाई है, उस कुटी के चारों ओर हरियाली, तुलसी के वृक्ष, चंदन इत्यादि का सुंदर सोहन में बनाया है, माला लेकर के बैठ गए हैं। राजा नित्य पूजन करते, सुबह शाम माला करते, माला अपने लिए की जाती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय पूजा में देते हैं। भैया घर में भजन नहीं हो पाता, अगर भजन करना है तो एकांत में जाना पड़ता है। महाराज नित्य पूजन कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दे रहे हैं, पृथ्वी को माता मान करके और इस अंबर को छत मान करके बड़ा सुंदर जीवन बिता रहे हैं। प्रेम करना सीखा है, मूल आकांक्षा दिल में नहीं है, लेकिन एक दिन ना जाने क्या हुआ, एक भटकती हुई गर्भवती हिरणी महाराज के सामने से निकली, महाराज के सामने से निकलती हुई गई, महाराज ने देखा, एक नजर उस पे पड़ी, महाराज समझ गए लगता है मेरी तपस्या की परीक्षा होने वाली है, भगवान परीक्षा देते हैं। वो हिरणी जैसे ही आगे गई तो देखा कि नदी का प्रवाह तेज है, हिरणी ने बड़े विशुद्ध भाव से जल पिया, जल पीने के बाद हिरणी को पीछे से कुछ भयानक आवाज सुनाई दी, एक सिंह की घनघोर गर्जना आवाज सुना, और जैसे ही सिंह की गर्जना सुनाई दी, हिरणी ने पीछे की ओर मुड़ के देखा, झम से छलांग लगा कि वो जल में कूद गई, तैरने लगी। महाराज राजर्षि भरत ने देखा कि गर्भ से उसका छोटा सा हिरण सावक निकल के पानी में गिर गया है। महाराज ने देखा वो बच्चा बार बार डूब रहा है, फिर निकल रहा है। राजर्षि भरत को दया आई, राजर्षि भरत ने सोचा, शरण से त्याग ये महापात का युगम भवे न संभवा, यत् पुण्य कृतम् मेव हरि शरणम् मम एक। आज ये मेरी शरण में आने के योग्य है, मैं क्षत्रिय हूं, अगर इसका सम्मान नहीं किया, इसे नहीं बचाया तो मुझे महापातक लग जाएगा। महाराज उसी समय नदी में कूद गए, हिरण के बच्चे को लाए और उसकी सेवा करने लगे। महाराज ने बचाया बहुत अच्छा, महाराज सेवा करने लगे बहुत अच्छा, लेकिन सेवा के साथ साथ महाराज को बच्चे से मोह हो गया। प्रेम परमात्मा से था, मोह बालक से हो गया। अब तो वो बालक को गोद में बिठा के भजन करने लगे, गोद में सुलाते जाते और माला करते जाते। वो बालक भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हिरण का छोटा सा सावक, महाराज जी माला करते और वो महाराज जी का मुंह चाटने लगता। कम से कम महाराज जी अच्छे हैं जो हिरण पाल के भजन करते हैं। आज तो दुनिया वाले कुत्ते पाल लेते, कुत्ता पाल लेते। हमने पूछा, भैया कुत्ता क्यों पालते हैं, कुत्ता कौन से लोग? बोले महाराज जी वीआईपी फैमिली है, वीआईपी
हमें तो अनपढ़ अच्छा लगता है। अनपढ़ मेरे गाँव का जो गाय चराने जाए, पढ़ा लिखा तेरे शहर का कुत्ते को टहला। क्या भी आई तुझे मेरे गांव का वो कमाल अच्छा है जो कम से कम गौ सेवा तो करता है। गौ सेवा और गोविंद सेवा में कोई बड़ा अंतर नहीं। आजकल दुनिया वाले कुत्ते की तो ऐसी सेवा करते हैं, कई लोगों को तो मैंने देखा महाराज ये इंग्लैंडी नहीं विदेशी है। अरे कितने मैं तो उनकी वैरायटी सुनते सुनते पर एक घर में तो मैं गया भैया, एक घर में मैंने पूछा भाई साहब ये छोटी सी कौन है। महाराज जी ये मेरी बड़ी प्यारी सी डॉगी है। डॉगी मैंने कहा इसका नाम क्या। महाराज जी इसका नाम है रूसी। महाराज जी एक मेरी बेटी भी है। मैंने कहा उसका नाम। बोले उसका नाम है लूसी। बेटी का नाम लूसी और डॉगी का नाम रूसी। अरे दुनिया वाले क्यों समय बर्बाद करते हैं। अगर करना है तो गौ सेवा करो भैया। महाराज ने एक हिरण का बच्चा पाल लिया, महापात लग गया, महापातक लग गया। हिरण का बच्चा पाला, रोज भजन करते और वो हिरण का बच्चा पीछे से कुदेरने लगा महाराज को। महाराज जी माला बीच में रख देते, उस बच्चे को उठाते, चुंबन करते, हृदय से लगाते। अब तो महाराज जी का ध्यान भी टूटने लगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन। दुनिया का सबसे बड़ा भजन है मन की तरंग समाप्त हो जाए, जीवन में एकाग्रता आ जाए, प्रभु की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। महाराज जी माला तो करते हैं, लेकिन जैसे ही नेत्र बंद करके भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करते हैं, सामने वो बच्चा कूदता हुआ दिखाई देने लगता है। अब जरा बताइए जो लोग कुत्ता सेवा करते हैं, डोगी की सेवा करते हैं, शायद भगवान का ध्यान करते हैं, डोगी ने भौं भौं कर दिया तो किसकी याद आती है, किसकी याद आएगी ना। पहले लोगों के दरवाजों पे हम कभी जाते थे तो दरवाजे के ऊपर लिखा रहता था शुभ लाभ श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। और बड़े बड़े फाटक लगे हैं, बड़े बड़े फार्म बने हैं, फाटक पे लिखा हुआ कृपया कुत्तों से सावधान। हम पढ़ते हैं, हमने एक बार पूछा, हमने कहा भाई साहब ये क्यों लिखा है, हमें तो समझ में नहीं आता यहाँ आदमी रहता है या फिर कृपया कुत्तों से सावधान, मतलब क्या हुआ इस बात का। आज महाराज ने केवल एक हिरण का बच्चा महाराज के तप को तोड़वा दिया। महाराज ने माला करना बंद कर दिया। एक दिन तो ऐसा हुआ भैया, जब महाराज सालेग्रामी नदी गए, महाराज वहां से जल लेकर के आए, और जब जल लेकर के आए जब तक एक हिरण का झुंड निकला और बालक भी उस झुंड के साथ चल दिया। जब वो बालक नहीं मिला, महाराज जी आश्रम आए, तड़प रहे हैं, हाय मेरे लाल मैं तुम्हें कहां पाऊंगा, अब तुम मुझे कैसे प्राप्त होगे, तुम्हारे बिना ये मेरा जीवन सूना है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हे मेरे चंद्रदेव उस बालक की रक्षा करना, हे सूर्य भगवान उस बालक की रक्षा करना, उसे शीतल करने प्रदान करना। अपनी रक्षा की चिंता नहीं है, उस बालक की रक्षा की चिंता सताने लगी। अब तो महाराज दिन रात रोने लगे, उस बालक को ढूंढने लगे, जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते एक दिन महाराज का भी प्राणांत हो गया, और जब महाराज मर रहे थे उस समय हिरण का याद कर रहे थे और हिरण का ध्यान करते करते मरे, इसलिए महाराज अगले जन्म में हिरण बन के अंतमति इति सहगति। अंत में मरते समय ये जीव जिसका ध्यान करता है वैसा ही अगली योनि प्राप्त हो जाती है, याद रखिएगा। इसलिए तो लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने की आदत डालिए, ताकि जब अंत समय आए तो परमात्मा की तस्वीर सामने। एक भक्त कहता है हे नाथ जब मेरी मृत्यु करीब हो ना